आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर जिलानी साहब, प्रमुख उपस्थिति की अतिथि एडवोकेट एमजी सिद्दीकी, एडवोकेट अहमद खान पठान, मौलाना रिजवी साहब, अब्दुल सत्तार साहब, मसूद सेठ, शमीम भाई, शफी खुरैशी जी, लियाकत अंसारी, फारूक भाई और जो सामने हाजिर है वो सब ज्येष्ठ भाई और भाई बुजुर्गों ज्येष्ठ नागरिक। आज मैं पहले शुरू आपकी माफ़ी मांगता हूँ कि जो मुझे तुमको वेट करना पड़ा है, मगर आगे 21 तारीख पर वेट करना नहीं पड़ेगा तुमको, मैं खुद घर पे आ जाऊँगा, ये मेरा पक्का वादा है। देर है मगर अंधेर नहीं, ऐसी बात होगी, थोड़ा देर हो गई मुझे, मगर आगे शुरू में जैसे भी 21 तारीख पर चुन के आऊँगा तो तुम्हारे घर पे मैं हाजिर होऊंगा, ये मैं तुमको वादा कर रहा हूँ। आज के आपने नांदेड़ के पालक माजी पालक मंत्री डीपी सावंत जी, आदरणीय मंच, मैं तुमको इतना कहना चाहता हूँ, मराठवाड़े के शिल्पकार शंकरराव चौहान साहब और अपने आदरणीय नेता आशिकराव जी चौहान साहब। चौहान साहब ने अभी देखा अपने को दक्षिण से, अभी तक दक्षिण से किसको उम्मीदवारी नहीं मिली थी, किसको मिली थी अभी तक उम्मीदवारी, कौन से पक्ष ने दक्षिण से नहीं दी थी और दूसरे पक्ष ने दक्षिण से उम्मीदवारी दी वाली नहीं है, मगर साहब का कहना था भाई ये बारे को अपने तड़ागाड़ा से चलने वाला नया आदमी चाहिए, जो कि सब आम आदमी को गौर गरीबों को पहचानता, सब नीचे लेवल से चलने वाला आदमी चाहिए और वो भी ग्रामीण से चाहिए। जब साहब को सबने सबको पूछे भाई ग्रामीण से कोई नेता है क्या, कोई आदमी कार्य करता है क्या, साहब ने हमारे सब 12 नगर सेवक भाई, जिला परिषद के नगर सेवक, जिला परिषद सदस्य, उन्हों बोले नेता है, आदमी है, समाजकारण 80% और 20 समाजकारण 80% और 20% राजकारण है, ऐसा आदमी है। तो साहब ने इनके बोलने पर मुझे नहीं क्या उम्मीदवारी दी वाली। मैं चाहता हूँ अपन आज पक्ष बहुत है, 2-3 जातिवादी पक्ष है और कांग्रेस पक्ष ऐसा है जो सब पार्टी को लेकर चलने वाला है, सब बहुजन समाज को लेकर चलने वाला है। मैं तुमको विनंती करता हूँ किसी जातिवादी पक्ष पीछे नहीं लगता, कांग्रेस पार्टी है 70 साल से सब बहुजन समाज को लेकर चलती है, वो पार्टी में सब समाज के आदमी है, वो कौन से पार्टी में कौन सी जात का नारा देने नहीं आता, ये पार्टी ऐसी है और ये पार्टी को सब आप सुशिक्षित आदमी है। अपने कांग्रेस पक्ष की जीत 100% है, इसके लिए एक बार ताला बजाओ। तो अपने को इस बार उत्तर रंधो, दक्षिण रंधो, अपने जिले में भी रंधो, अपने को कांग्रेस पार्टी जीत के लाने है। चल रहा था हिंदी में बात करते हैं, तो बाद में हिंदी भी सीखना है मुझे, हिंदी भाइयों में रहना है तो हिंदी सीखना है, सीखने दो मुझे ज़्यादा, मैं बोल बच्चन नहीं हूँ मगर काम करने वाला पक्का हूँ, मुझे बात करने नहीं आएंगे मगर काम करने आता है, और मैं आज नहीं बहुत दिनों से मुस्लिम कौम से मिले वाला आदमी हूँ, आज सबको मालूम है मोहनरों का काम कैसा है, तो भी आगे चल के हिंदी में भी बात करूँगा, नाराज नहीं मानना, और मराठी में भी बात करूँगा। चलो ठीक है, अशोक राव साहब ने अपने को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी वाले और अशोक राव साहब के अपने को हाथ मजबूत करना है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ, विनती करता हूँ कि 21 तारीख को सबने जो जातिवादी पक्ष के पीछे नहीं जाके अपने को अशोक राव के पीछे जाना है, कांग्रेस पक्ष में मतदान करना है। तुमने मुझे 21 तारीख को अपनी ताकत की बहुत ज़रूरत है और ये ताकत बताना चाहिए आपको, और ये ताकत तुम 21 तारीख को मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके वो ताकत बताना, वहाँ जाने को अशोक राव के साथ मजबूत हो जाएंगे। मैं यहाँ आया हूँ, मेरे लिए देर की वजह से मैं तुमको तकलीफ होंगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और मेरे कुछ दो शब्द लफ्ज कुछ
गलत गए हो तो मुझे माफ करना। इतना बोल के मेरा भाषण समाप्त हूँ। जय हिंद जय महाराष्ट्र।